सकल जैन समाज के आह्वान पर पूरा शहर विरोध में कर्नाटक जैन मुनि श्री काम कुमार नंदी जी की नृशंस हत्या से पूरे जैन समाज सहित हिंदू समाज में आक्रोश है। हत्यारों को कड़ी सजा दिलवाने के लिए सकल जैन समाज मौन जुलूस छोटी बाजार राम मंदिर परिसर से मौन जुलूस निकलेगा, जो मेन रोड फवारा चौक इंदिरा तिराहा जेल बगीचा होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचेगा। यह हत्या के आरोपियों को कठोर सजा देने का ज्ञापन सौंपा जाएगा। इस मौन जुलूस को छिंदवाड़ा के सभी धार्मिक सामाजिक संगठनों का पूरा समर्थन मिल रहा है। सकल हिंदू समाज के सभी संगठनों ने मौन जुलूस सिख समाज गांधीगंज व्यापारी मंडल कांग्रेस एवं भाजपा के पदाधिकारीगण भी शामिल होकर हत्या का केस फास्ट ट्रैक अदालत में चलाकर आरोपियों को कठोर दंड देने की मांग कर रहे हैं। सकल जैन समाज के पदाधिकारियों ने ADM को मांग पत्र का ज्ञापन सौंपा है। एक हमारे जैन मुनि आचार्य जी का हत्या कर उनके शरीर को बोरवेल में डाल दिया गया। यह बहुत ही निंदनीय बुरी है एवं इससे पीड़ा पूरे देश के पीड़ा हुई है। हमारे देश की परंपरा साधु संतों के सम्मान की रही है, साधु संतों को भूलने की रही है, लेकिन जो ये घटना जो हुई है कहीं ना कहीं देश में अराजकता देश में एक ऐसा माहौल बनाने की घटना रही है। और हम देखते हैं जैसे हमने पालघर की घटना हुई थी वहाँ पर भी एक साधु को मार दिया गया, अभी ये घटना हुई है कर्नाटक में। ऐसा क्या होता है कि जैसे वहाँ कांग्रेस की सरकारें आती हैं, चाहे महाराष्ट्र का देख लें चाहे अभी कर्नाटक का, तो सबसे पहला उनको जो दिखता है हमारे निहत्ते हमारे खुद ही साधु संत रहते हैं और साधु संतों की हत्या ऐसी की जाती है। कांग्रेस कहीं ना कहीं कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आई और इसके पीछे निश्चित तौर पर वहाँ के कांग्रेस के नेता और कांग्रेस की सरकार का हाथ है। आज छिंदवाड़े में सकल समाज ने इस घटना का विरोध किया है, लेकिन मैं कांग्रेस के लोगों से और कांग्रेस की सरकार से कहना चाहता हूँ इस ऊपर दिखाने के लिए आप दिखावा ना करें। यह देश के एक एक नागरिक को दिल को चोट पहुँचाने वाली घटना है, आप दिखावा ना करो, इस पर कार्रवाई करें। और ये ऐसा ही क्यों होता है, जहाँ जहाँ कांग्रेस आती है वहाँ पर साधु संतों की हमारे उनकी हत्या होती है, उनके ऊपर लगातार आक्रमण होना चालू हो जाते हैं। छिंदवाड़ा से BC News के लिए शेखर राजपूत।